अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार तिवारी का अमरकंटक आगमन हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंगों में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना किया, तत्पश्चात वहां से निकलकर बाबा फलारी के आश्रम आए, जहां हितेश जी ने संत शंकराचार्य श्री मौली सरकार जी से एवं अन्य संत जन से अपने विभिन्न मांग को लेकर विचार विमर्श किया। मेरा नाम हितेश तिवारी है। आप किस संस्था से हैं? मैं हिंदू महासभा छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, यहाँ किस कार्य से आगमन हुआ है आपका? देखिए, हम आज विभिन्न मुद्दों को लेके हमारे परम आदरणीय स्वामी जी से हम मुलाकात करने आए थे। मुद्दा तो हमारा सनातनी धर्म को लेकर के है और सर्वधर्म संभाव में भी चर्चा हुआ कि सनातन धर्म को किस तरीके से पूरे देश में जो है विकसित किया जाए। उस मुद्दे में हम लोगों ने आज चर्चा किया। बहुत ही अच्छा, मतलब जो है चर्चे का जो अंत स्वरूप बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे निर्णय सामने निकल गया है। अच्छा, तो आने मन की तृप्ति हुई यहाँ आने से? आने में मन की तृप्ति के साथ साथ पूरे समाज की तृप्ति हुई है, हिंदुत्व की तृप्ति हुई। अच्छा, समाज के विषय पर? जी। आगे कुछ और जनता को संदेश? आगे विभिन्न प्रकार के हम जितने भी जो हमारे देश में जो लोग हैं, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, हम इस पे पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं करते। सिर्फ हम अपने सनातनी धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम अपने जो ST SC वर्ग के जो भाई बहन हैं, जो अछूते हैं, हम उनके मांग को उठाएंगे कि श्री रामचंद्र जी उनके भी हैं और हम उनको लेने अयोध्या तक जाएंगे उनके साथ। अभी कुछ दिनों पहले आपको शायद धमकी भी आई थी कहीं से जान से मारने के लिए, तो उस पर? धमकी तो पाकिस्तान से मिली थी हमको जान से मारने की और कई बार हम पे हमला भी हो चुका है। ये तो चलता रहता है, भगवे झंडे की शक्ति है, हमला आक्रमण होगा, जान जाएगी हिंदुत्व के लिए, इसके लिए हम तैयार हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। हिंदू महासभा प्रदेश महामंत्री जी, तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? यहाँ उद्देश्य का उद्देश्य ये था कि हम समाज में जो हिंदुत्व के ऊपर जो देश में पूरी बहस चल रही है, राम जन्मभूमि को लेकर और कई सारे जो चीज़ों पर चर्चा चल रही है कि हमारे धर्म गुरुओं को आदर नहीं दिया जा रहा, शंकराचार्य जी को और बाकी लोगों को इस विषय पे किनारे किया जा रहा है और समाज के लोगों को उनकी जानना कि संत समाज अमरकंटक का क्या चाहता है और किस दिशा में हिंदुत्व को ले जाने के लिए ये काम कर रहे हैं, इस विषय में हम लोग यहाँ पर आए और काफ़ी अच्छा लगा। संत समाज भी यहाँ हिंदुत्व के लिए चिंतित है और हिंदुत्व के झंडा को आगे ले जाने के लिए तत्पर है और कई समाजों से आदिवासी समाज हुए, जैसे ST SC समाज के लोग हुए, उनके ऊपर भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे गुरुजी भी यहाँ पे। उनको देखकर हमको खुशी हुई, प्रेरणा मिली, एक सीख मिली कि हम छत्तीसगढ़ भी जाकर एक समाज को, आदिवासी समाज को एक दिशा निर्देश के रूप में आगे बढ़ाए। राम जी के उनके भी हैं, उनको ये हम बताए जाकर वो हमारे भी समाज को आगे लेके जाएंगे, धर्मांतरण कहीं ना कहीं इससे भी रुकेगा। जी, तो जनता के लिए आपको क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश यही है कि देश ये हमारा है, सभी लोग मिलजुल कर रहें, देश को आगे बढ़ाएं। आज ये पूरी हमारी जो हिंदुत्व की लड़ाई है, पूरे दुनिया में हिंदुत्व एक धर्म गुरु के रूप में आगे बढ़ना चाहता है, इसी एक सपने को लेकर यहाँ पे आए। जनता को संदेश यही देना है कि हम सब एक साथ मिलकर भारत को एक, पहले जो धर्म गुरु थे, एक भारत एक संपन्न राष्ट्र था, उस संपन्न राष्ट्र तक और इनको आगे लेके जाएंगे।